हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टीम उत्तर प्रदेश एसआई जो आपके नागरिक पुलिस में है और जो गोपनीय विभाग में आपकी वैकेंसियां हैं, एएसआई के जो पद हैं, इन सभी के लिए एक सम्मिलित रूप से, चूंकि दोनों का सिलेबस आपका सेम है, बस नागरिक पुलिस की जो आपकी परीक्षा है उसमें मूल विधि अलग से पूछता है, तो वो आपका साथ ही साथ अलग से पूरा कवर करवा दिया जाएगा, यानी सारे विषयों को। उसी विषय के संबंध में हिंदी आपकी शुरुआत हो चुकी है और हिंदी में सबसे पहले हमने रस छंद और अलंकार को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। पिछला जो 16 का पेपर रहा, आप एएसआई वाला उठा के देखिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा जितने सवाल हैं सब रस छंद अलंकार से पूछे गए हैं, व्याकरण से पूछे गए सवाल बहुत कम है। तो जो लोग नए हैं वो सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लें, सारी क्लासेस निःशुल्क है। अगर इन क्लासेस के आपको पीडीएफ चाहिए डेली बेसिस पर, हम लोग एएसआई ही फोकस आपको पढ़ा रहे हैं। 4 से 5 महीने का हमारा टारगेट है, 4 महीने जैसा कि आपको समय मिला है उसमें हम पूरा सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। सारे लोग इसकी डेली बेसिस पर नोट्स चाहते हैं तो ऐप से जाकर के आप जो डेली बेसिस का पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान है उसको एक्टिव कर लीजिए। 3 महीने के लिए 499 में आपको हर दिन की क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ उसी में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक, तो अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मटेरियल भी मिल जाएगा, लास्ट में सब कंबाइंड करके दे देंगे, तो आप उसको प्रिंट करा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और सदा के लिए वो हो जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से पढ़िए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हमें पढ़ना है, वह सबसे ही महत्वपूर्ण और सबसे ही मजेदार आपका बिंदु है जिसको हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। यह है आपका क्या, अलंकार। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलंकार के बारे में। तो रस छंद 2 पढ़ चुके हैं, आज तीसरा पॉइंट आपका अलंकार शुरू हो रहा है, क्योंकि इससे भी प्रश्न जो है आपके 2-3 प्रश्न तो आए ही आए थे। अब 40 प्रश्न आपके जो है देखे जाएं तो इसमें भैया इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमें टारगेट इस बार क्या करना है कि वह सेक्शन जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें रीजनिंग और मैथ काफी अच्छे लेवल की आई थी, इस बार जब 35% होता है और ओवरऑल हमें 50% लाना है, तो हिंदी ही एक आपका ऐसा विषय है, दूसरा मानसिक अभिरुचि, तीसरा करंट अफेयर। ये 3 सब्जेक्ट पर अगर आपकी मेहनत हुई, इन पर पकड़ बनी, तो ये आपको 50% से ज्यादा बूम करा देंगे। ठीक है, तो हमें मेहनत उस दिशा में करनी है, ऐसे आपके पाठ्यक्रम को लेकर करनी है, ऐसे विषय को लेकर करनी है जो विषय अपने आप में छोटा है और जिस पर आसानी से पकड़ बनाई जा सकती है। ठीक, हर एक आपके बिंदुओं को, हर एक चैप्टर को बहुत विधिवत आप पढ़ के समझ के उससे आपके पूरे के पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो टारगेट अपना एकदम सही रखिए, लक्ष्य फोकस जो है एकदम निर्धारित करिए, क्योंकि अब वैकेंसी तो आनी ही आनी है, ये एकदम 100% सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अलंकार में परिभाषा बहुत सामान्य सी है, अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं हैं। बहुत सामान्य सी परिभाषा यह है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो आपके गुणधर्म होते हैं, ठीक है, शब्द होते हैं, इन सभी से जो आपकी काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार कहलाती है। ठीक है, अलंकार अलंकृत, अलंकार का अगर हम अर्थ देखें, ठीक है, तो इसका अर्थ बन जाता है अलंकृत, यानी जो किसी को अलंकृत करे, जो किसी को शोभनीय बनाए, जो किसी की शोभा बढ़ाए वह अलंकार है। ठीक है, अलंकृत इसका जो अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको मिलेगा अलंकृत, मतलब जो किसी की शोभा बढ़ाता है, जिस प्रकार गहने मनुष्य की शोभा बढ़ा देते हैं, भाई हाथ में अंगूठी है, गले में चैन है, ठीक है, तो गहनों से आप जो है सुंदरता बढ़ती है, आभूषणों से सुंदरता बढ़ती है, उसी अनुरूप आपके अलंकार आपके ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि काव्य में इनका प्रयोग करके हम काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसके अर्थ में, उसके तमाम चीजों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका अलंकार होता है। अलंकार चूंकि हम किसी काव्य में 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एक तो उसमें हम कोई चमत्कार कर सकते हैं, कैसे हम चमत्कार कर सकते हैं कि उस जो है काव्य के, एक तो शब्द से चमत्कार पैदा होता है, ठीक है, शब्दों का ऐसा प्रयोग करें कि हमें वह काव्य पढ़ने में ही बड़ा अच्छा लगे। ठीक,
और दूसरा किसी भी काव्य में आपके अर्थ से आपका जो चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, शब्द लिखा है, शब्दों का अर्थ आपका अलग अलग जा रहा, एक आपका ऐसा प्रवाह बना रहा जो आपको बड़ा शोभनीय लगता है, तो वह आपका अर्थ अलंकार। तो सब अलंकार के दो भेद मूल रूप से होते हैं, पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा जो बनता है वह अर्थ अलंकार। एक अन्य भेद भी कई आपके विद्वान मानते हैं, ठीक है, उसको उभयालंकार की संज्ञा दी गई है, हालांकि आपसे दो ही से सवाल पूछता है, ठीक, कि शब्दालंकार क्या है और साथ ही साथ आपका अर्थालंकार क्या है, इन्हीं दोनों को हमें जानना होता है, ठीक, उभयालंकार के बारे में कभी सवाल नहीं होता है। अब एक एक करके हम शब्दालंकार को समझेंगे बहुत ढंग से और अर्थालंकार को भी समझेंगे, क्योंकि भैया परीक्षा के लिए यहां से अगर आपके प्रश्न छूट गए तो समझ जाओ सब चौपट। उत्तर प्रदेश जो बोर्ड से पढ़े विद्यार्थी हैं, अगर यहां से प्रश्न आपके गलत हो गए तो आप ये मान के चलो कि आप पहले ही बाहर हो, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो रीजनिंग और मैथ्स, आपका रीजनिंग वगैरह आप देखिए पूरा बैंकिंग पूरा पैटर्न उठाता है, ठीक है, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें अच्छे अच्छे धुरंधर अच्छे बन जाते हैं, ठीक, तो वहां से हमें चूंकि भैया हमेशा ये नहीं है कि किसी विषय पर पीएचडी करके ही परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है, ये आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा एक स्तर की है जहां से आपको जांचा जाता है कि आप किसी पद के लिए योग्य हैं या नहीं, आपको उस पाठ्यक्रम के बारे में क्या आता है। यहां आपसे कभी भी इंटरव्यू नहीं होना है, यानी हमें विषय पर कभी भी हमसे नहीं पूछेगा कि हिंदी की परीक्षा अगर आप जो है पास करके आए तो चलिए हिंदी के विषय में बताइए। यहां मतलब है स्मार्ट स्टडी से, जो बच्चा सही अपनी रणनीति बनाएगा, सही दिशा बनाएगा, 6130 वैकेंसी में उसका नाम होगा, ठीक है, तो आप अपने आप को किस अनुसार ढालते हैं। पढ़ाई का मतलब यह नहीं कि अब यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई तो हम 24 में से 16 घंटा लग गए, ठीक, सब कुछ छोड़ दिए, दुनियादारी और इसी में लग गए। दुनियादारी छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि दिमाग हमेशा एक बार में एक ही क्षेत्र में काम करता है, मर्जी हो कि इधर लगा लो, मर्जी हो कहीं और लगा लो, समझने वाले समझ रहे हैं, ठीक है, नौकरी तभी मिलेगी जब आप इस फील्ड में 24 घंटा जब आपके दिमाग में कोई चीज घूमने लगती है, जब आप उसमें रम जाते हो, तभी भैया ये समझ लो जब पूरी शिद्दत उधर किसको वर्दी को चाहने लगेगी, किसी और को अगर शिद्दत चाहेगी तो बीच में वर्दी निकल जाएगी। इसलिए जरूरी अभी यह है कि आप पूरी तरीके से, जब भी मैं कहता नहीं कि 16 घंटा पढ़ो, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो इधर होनी चाहिए इस परीक्षा पर। हिंदी आप किस तरीके से पढ़ें कि आपके 40 में लगभग आपके ज्यादा से ज्यादा सही हो, उसके लिए मैं हूं, मैं जिस अनुसार आपको बता रहा हूं उस अनुसार पढ़ते जाइए, ठीक है, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, ठीक है। टीसीएस के पैटर्न को बहुत अच्छे से सारी चीजें एनालाइज के बाद मैं आपको कह रहा हूं, उस अनुसार पढ़िए जिस अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी बाहर नहीं होगा। और चूंकि हमें ओवरऑल 50% लाना है, तो ओवरऑल 50% में ऐसा तो है नहीं कि 50% लाएंगे कट ऑफ यही जाएंगे, भैया ये ओवरऑल 50% इस बार कट ऑफ बूम करेगी। लड़के बहुत ज्यादा इस समय फील्ड में सारे लोग हैं, क्योंकि SSSC पूरी तरीके से ठप है, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा सारे लोग इसी तरफ मूव करेंगे। तो आपसे यह जरूरी है कि आप उन विषयों पर अच्छी पकड़ बनाएं जहां से मार्क्स ज्यादा हासिल किए जा सकते। चलिए बढ़ते हैं, इसमें एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं, तो ये एक सारांश रहा जहां से हमें कुछ सीखना चाहिए, और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एक चीजों को बहुत ढंग से मैं बताता चल रहा हूं। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है भैया कि आप जो है आपको लगता है कि नहीं टीम आपको मजबूर कर रही है, आप स्वयं से बना सकते हैं तो बनाइए, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अपनी करो जिस हिसाब से आप लगे हो। या तो देखो भैया पढ़ाई करोगे तो कहीं सिलेक्शन होगा, दिमाग एक जगह से हटेगा, दुनियादारी और शुरू होगी, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे, ठीक। और उत्तर प्रदेश में हालात जैसे हैं वो मैं ना कहूं तब भी आप समझदार हैं। अब अलंकार को हम देखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, आचार्य दंडी ये सवाल पूछता है, ठीक। आचार्य दंडी ने जो अलंकार की परिभाषा कही है, इनके अर्थात इनके अनुसार यह है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारेन प्रच्छते, यानी काव्य के जो शोभा करते हैं ऐसे धर्म अलंकार कहलाते हैं, ठीक है, यानी जो गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उनको अलंकार कहते। और यह कौन
जो है बोलता है, ये आचार्य आपके दंडी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसी में दूसरी चीजें अगर देखी जाए, अलन अर्थात भूषण अर्थ होता है। अलंकार का अगर हम अर्थ देखें तो अलन का अर्थ होता है भूषण, भूषण का अर्थ होता है आभूषण, और दूसरा क्री का अर्थ होता है कर, कर यानी सुसज्जित करने वाला। तो अलंकार इस तरीके से आप विभाजित कर सकते हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ाए वह अलंकार है। आगे अब इसके अगर भेद को देखें तो अलंकार के भेद में मैंने बताया कि दो होते हैं, एक शब्द के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है और दूसरा होता है जो अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। इन दोनों के आधार पर अलग अलग इनके विभेद होते हैं, वहीं से आपसे सवाल पूछता है। कभी कभी सामान्य से सवाल उठा लेता है, कभी कभी थोड़ा उदाहरणों में घुस के सवाल उठाता है, तो हम दोनों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एक तीसरा अलंकार भी होता है, मैंने लिख दिया इसके बारे में भी, उभय अलंकार होता है। ठीक है, तीसरा भी अलंकार होता है जिसको हम उभय अलंकार कहते हैं। अब हम शब्दालंकार से बढ़ना प्रारंभ करते हैं और यहीं से आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, शब्दालंकार में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको संधि विच्छेद कर दीजिए, शब्द धन अलंकार, यानी जो शब्द आपके किसी की शोभा बढ़ाए, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करे वह शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आ जाता है। ठीक है, कोई हमने शब्द विशेष रख दिया, अब उस काव्य की शोभा बढ़ गई, उसने ऐसा चमत्कार किया कि अब वह काव्य पहले की अपेक्षा कुछ विशेष लगने लगा, तो वो क्या होगा, वह शब्द अलंकार के अंतर्गत आपका अलंकृत कोई काव्य होगा। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, शब्द के दो रूप हैं। ठीक है, एक शब्द का रूप होता है ध्वनि और दूसरा रूप होता है अर्थ। जो अब मैंने बोला आपने सुना वह ध्वनि है, और दूसरा उस ध्वनि से जो आपको चीजें मालूम चली वह क्या है, वह अर्थ हो जाता है। तो ध्वनि के आधार पर शब्दा अलंकार की जो है सृष्टि होती है। याद रखिएगा, शब्दालंकार की रचना किस आधार पर होती है, ध्वनि के आधार पर। जो बोलते हैं तो बोलने में हम वर्ण बोलते हैं, तो वर्ण के आधार पर क्या एक तरीके से बन जाती है, शब्दालंकार बन जाते हैं। और दूसरी चीजें इसमें, इस अलंकार में वर्ण या शब्द की लयात्मक या संगीतात्मकता होती है। ठीक है, जो शब्दालंकार होते हैं इसमें वर्णों की जो लय चलती है, ठीक, या उनसे एक संगीत के रूप में हमें पूरा का पूरा काव्य मिलता है। समझ गए, अर्थ का चमत्कार इसमें कहीं भी नहीं होता है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें वर्ण का चमत्कार होता है, शब्द का चमत्कार होता है। ठीक है, शब्दालंकार में कैसे कैसे आपको देखने को मिलते हैं, इसके आगे जो विभेद आप पढ़ोगे शब्दालंकार। अब चूंकि हमने क्या बात की कि कुछ वर्ण से कुछ आपके जो है शब्दों से विशेष कोई आपका उत्पन्न होता है चमत्कार, तो कुछ वर्णगत होते हैं, कुछ आपको शब्दगत मिलेंगे, और कुछ जो मिलते हैं ये वाक्यगत होते हैं। तो शब्दालंकार में तीन रूप आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें तीन रूप से आगे इसके विभेद बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अनुप्रास की अगर हम बात कर लें, यमक की बात कर लें, ये सभी अलंकार आपके वर्णगत हैं, इसमें वर्णों के पैटर्न को देखकर हम समझते हैं, और शब्दगत हैं। अगर शब्दगत आपका कौन सा बनेगा, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक, और यमक जो है ये आपका शब्दगत हो जाएगा, कनक कनक ऐसे उदाहरण मिलेंगे, और लाटा अनुप्रास ये वाक्यगत होता है, मतलब पूरा वाक्य जब आप समझोगे तब आप समझ पाओगे इसमें लाटा अनुप्रास है। बाकी आप कहीं पर वर्ण को ही देखकर समझ जाएंगे, अनुप्रास हो जाएगा, यमक में शब्दों को देखकर समझ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके शब्दालंकार के विभेद बनते हैं। अब शब्दालंकार के भेद को देखिए, शब्दालंकार के भेद भैया कहीं कहीं छह मिलता है, ठीक, कहीं कहीं चार मिलता है, लेकिन हमारे काम के तीन हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो केवल तीन है। तो हमें छह अलंकार को पढ़ के पीएचडी करके नोट्स बना के कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा में जो आता है पढ़ाई वहां तक सीमित रखिए, और उसी से सिलेक्शन होता है। जैसे पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, और तीसरा आपका जो अलंकार बनता है वाश्लेष। मैंने एक जो है यहां लिख दिया है वक्रोक्ति को, लेकिन वक्रोक्ति अलंकार से अगर इसमें देखें उत्तर प्रदेश एसआई में कभी भी कोई प्रश्न नहीं आया, इन्हीं तीन से सवाल आते हैं और इन्हीं तीन को हमें चुनना होता है। तो इन तीन को हम अच्छे से समझ लेंगे, इनके उदाहरणों को, इनके भेदों को भी पढ़ लेंगे,
और कई उदाहरण कर लेंगे तो अपने आप इस पर हमारी पकड़ अच्छी बन जाएगी और परीक्षा में जब कभी भी यह पूछा जाएगा तो वहां पर यह चीजें आपकी बहुत अच्छे से हम सही कर ले जाएंगे। क्योंकि भैया एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है, एक एक क्वेश्चन की आपकी लड़ाई होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करते हैं, अनुप्रास अलंकार होता क्या है, ठीक है। अनुप्रास की अगर बात किया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां किसी काव्य में किसी वर्ण का बार बार आना आपको दिखाई पड़े तो वहां समझ जाना है कि यह अनुप्रास अलंकार है, ठीक। अब वर्ण यहां पर आवृत्ति होती है और जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वाक्य सुनने में बड़ा सुंदर लगने लगता है, ठीक है। जब आपके कानों पर वह ध्वनि पड़ेगी, वो वर्ण बार बार रिपीट होंगे तो आपके कर्ण पल्लवों को बड़ा ही वो जो है शोभनीय प्रतीत होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चारु चंद की चंचल किरणें, अब चा 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 आया, रिपीट हुआ तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इसमें तो बहुत बढ़िया भाव निकल रहा है। भले ही हमारे ठोस दौरान ना समझ पाए, हम यहां सिर्फ वर्ण, यहां वर्ण की आवृत्त है, वर्ण हमने सुना कई बार आ रहा है, बस आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ठीक है। यही चीजें क्या है, यही आपकी है किसकी, अनुप्रास अलंकार की विशेषता है। अगली चीज, इस उदाहरण में आप देख रहे हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा 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 लगातार रिपीट हो रहा और इसी से वाक्य की सुंदरता बढ़ गई। अर्थ हम लेने नहीं गए, अर्थ से मतलब नहीं है, यह शब्द अलंकार है, यहां वर्ण देखना है, ध्वनि देखनी। अब दूसरा इसमें है, जैसे अनुप्रास में एक चीज और समझिए आप, अगर इस शब्द का विभेद करेंगे तो अनुधनप्रास, यही तो लिखा है अनुधनप्रास। अनुप्रास में अनु का अर्थ होता है कि बार बार आना और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, मतलब जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास होता है। स्वर की समानता नहीं है फिर भी बार बार वर्ण की आवृत्त हो रही, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, सबसे बड़ी ध्यान आपको सबसे ज्यादा यह भी रखना है, क्योंकि इस पर सवाल आपका आया है कि किस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है, तो वह आपका अनुप्रास होता है। दूसरी बात, जैसे एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप। अब यहां देखिए, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप, अब यहां पर कई वर्ण आपके मिल रहे हैं जो एक तरीके से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं जन 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 लगातार हुआ, फिर धनुज मनुज फिर रूप भूप पापा की आवृत्ति हो रही है, ऐसे इसमें आगे हो रहा है, तो ये जो रिपीटिशन लगातार वर्णों का चलता है, लगातार वर्णों की जो आवृत्ति होती है, ये अनुप्रास का भेद होता है। एक छोटी सी लाइन लिख देगा उसमें दो बार आपको वर्ण मिल गया तो वहां आप टिक कर सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऐसे दूसरा आपके सामने है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब आपसे जब सवाल पूछेगा तो इतने दे देगा, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर में कौन सा अलंकार है। अब मां मां की लगातार आवृत्ति हुई, आप तुरंत उठा के यहां पर टिक करेंगे कि इसमें तो मां वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए यह अनुप्रास उदाहरण का भेद है, समझ गए। ऐसे हमें पहचानना होता है कि यहां पर आवृत्ति जो होती है वो किसी एक वर्ण की विशेष होती है। जैसे अगला है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। पढ़ा होगा आपने इस दोहे को, क्या, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। अब यहां देखिए, का हर जगह तीन बार का रिपीटेशन हुआ और सुनने में भी आपको बड़ा अच्छा लग गया, यही चीजें क्या है, यह अनुप्रास का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, उदाहरण जितना कर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, अब का की फिर से आवृत्ति हुई, अब यह लाइन दे देगा आपसे पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास है क्योंकि यहां का वर्ण की आवृत्ति बार बार जो हो रही है। इसके बाद और उदाहरण को देखते हैं, जैसे एक उदाहरण है, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, ठीक है। कायर जो होते हैं, क्रूर जो होते हैं, कपूत जो होते हैं और जो किचली होती है, ये अपने आप ऐसे ही खत्म हो जाते हैं।
यहां देखिए का की लगातार आवृत्ति हो रही है, यहां में अर्थ से मतलब नहीं, यहां वर्ण की आवृत्ति हुई, हमने वर्णों को सुना और वर्णों बड़े अच्छे लगे सुनकर के, बस वो क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक आपका ये सवाल आया हुआ है, ये उदाहरण पूछा गया है कि कंकड़ किंकिड़ नुपुर ध्वनि सुनी। अब कंकड़ किंकुन ये देखिए, यहां पर अगर देखें तो का की आवृत्ति लगातार इसमें चल रही है, इसीलिए यहां पर ना की भी आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। हमें वर्ण देखना, एक से ज्यादा बार आ गए तो वो क्या होगा, अनुप्रास होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक आपका ये तो जानते ही जानते हैं, लगभग परीक्षाओं में पूछा गया उदाहरण है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसमें ता 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 लगातार रिपीट हो रहा है और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, तो लगातार जब रिपीटेशन होता है तो वो क्या होता है, वो आपका किसके जो है अंतर्गत आएगा, अनुप्रास के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये भी आपकी कई परीक्षाओं में आया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा 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 लगातार रिपीट हो रहा, तो ये क्या है, ये आपका जो है अनुप्रास उदाहरण का उदाहरण है, ये कई बार आपका आया है और इतनी लाइन ही लिख देता है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, तो ऐसे ही आपको वहां पहचानना होगा। अब अनुप्रास के भेद को देख लेते हैं, क्योंकि अनुप्रास में, अनुप्रास के भेद की अगर बात करते हैं तो इसके जो मुख्य भेद है, छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है और अंत्यानुप्रास है, ठीक है, ये पांच भेद इसके होते हैं और इनसे कभी कभार सवाल पूछ लेता है डिटेल में, क्योंकि आपने देखा कि वर्ण कहीं कहीं पर एक बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक दो बार हो रहा है, कहीं पर तीन बार हो रहा है, कहीं लगातार आ रहा, तो इस तरीके से जो इनकी आवृत्ति होती है उन्हीं आवृत्ति के आधार पर इनका जो है विभेद किया जाता है। इनसे सवाल पूछ सकता है, कभी कभार पूछा भी है, ठीक, उदाहरण दे देगा और वहां पर आपको ऐसे चार ऑप्शन जहां मिल गए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो भाई अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। देखिए सबसे पहला जो है पढ़ना प्रारंभ करते हैं, छे का अनुप्रास क्या होता है, छे का हमेशा ध्यान रखिए, छे का अनुप्रास में एक ही चीज देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, स्वरूप से और क्रम से अगर अनेक व्यंजन एक बार ही रिपीट हो रहे तो वहां छे का अनुप्रास होता है, ठीक है। हमेशा दूसरी बात को याद रखना है कि व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग भी होता है, ठीक, जैसे रस और सर में छे का अनुप्रास नहीं है, अगर रस है और सर लिखा है तो इनमें छे का अनुप्रास कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक छे का अनुप्रास का मतलब है कि क्रम भी वही होना चाहिए, सर और सर लिखा है तो इसमें हो जाएगा, वही क्रम चलना चाहिए, वही स्वरूप चलना चाहिए, स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, अगर स्वरूप में बदलाव मिल गया, अब रस लिखा था और सर लिखा था तो इन दोनों के स्वरूप में बदलाव हो गया ना, स्वरूप में बदलाव नहीं होना चाहिए, यह छे का अनुप्रास की विशेषता होती है। अब इनके उदाहरणों को समझते हैं, जैसे एक उदाहरण यहां पर आपके सामने है कि रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठें और सांसें भरें आंसू भरें कहत दई दई, रीझ रीझ रहसी रहसी। अब यहां जो रिपीटेशन चल रहा, स्वरूप चल रहा, स्वरूप वही चल रहा ना, देखिए रीझ रीझ दोनों का स्वरूप एक है, रहसी रहसी हंसी हंसी, अब ये सारे के सारे जो स्वरूप मिल रहे हैं वह एक ही बार जो है रिपीट हो रहे, एक बार रिपीटेशन है लेकिन स्वरूप उसी क्रम में रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए यह छे का अनुप्रास है। दूसरी लाइन में लिखा है सांसें भरी आंसू भरी, अब यह भी जो रिपीट हो रहा है, ठीक, इसमें उस हिसाब से नहीं लेकिन भरी भरी एक जैसे है, दई दई एक जैसे है, जहां एक बार ही रिपीट हो, एक बार रिपीट हो लेकिन वही उसी स्वरूप में हो, वहां पर छे का अनुप्रास होता है, समझ गए होंगे। अब दूसरा उदाहरण, जैसे ये आपका कई बार आया है, बंद हो गुरुपद पदम परागा और सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा, ये जो उदाहरण है कई बार आपके कई परीक्षाओं में है। अब बंद हो गुरुपद
पदुम परागा। अब इसमें पद और पद को देखिए, यह आपका दो बार मिलेगा। उसके बाद सुरुचि सुवास, अब यहां सु सु ठीक है, अब सरस अनुरागा इसमें तो नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन जिस क्रम में आएगा उसी क्रम में आपका रिपीट होगा, इस बात को याद रखना है। स्वरूप उसका कहीं नहीं बदलेगा, यह छेका अनुप्रास की आपकी विशेषता होती है कि उसका स्वरूप नहीं बदलेगा। दूसरी बात, एक बार ही रिपीट होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका है वृत्तानुप्रास। ठीक है, अगर वृत्तानुप्रास की बात करें, इसमें आखिर भाई कितनी बार रिपीट होता है, देखो जहां पर इससे पहले वाले में छेका में एक बार रिपीट हुआ, स्वरूप एक बार आया, यहां पर कई बार रिपीट होगा, लगातार रिपीट होगा। जैसे वृत्तानुप्रास जहां एक व्यंजन की आवृत्त एक या अनेक बार हो वहां वृत्तानुप्रास होता है। इसको अगर रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति बोलते हैं, ठीक है, वृत्ति हालांकि अलग भी आप पढ़ेंगे। उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक उदाहरण लिखा है आपके सामने, सपने सुनहले मन भाए, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। ठीक, यहां स्वरूप से मतलब नहीं है, यहां हमें स्वरूप से मतलब नहीं है, वहां हम स्वरूप देख रहे थे। अगली चीज, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर अध्यामय। ठीक है, अब इसमें लगातार देखिए सावर्ण की आवृत्ति हो रही है, लगातार सावर्ण की आवृत्ति, यहां हमें उससे मतलब नहीं कि इसमें हमें स्वरूप एक जैसा मिले। कोई वर्ण लगातार चल रहा तो वहां क्या हो जाएगा, वहां वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक, वहां वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अब छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास में अंतर क्या है? छेकानुप्रास में व्यंजनों की एक ही बार स्वरूपतः और क्रमतः आवृत्ति होती है, उसी स्वरूप में उसी क्रम में आएंगे। ठीक है, जैसे रीज रीज रहस रहस, क्रम भी वही चल रहा, वही स्वरूप चल रहा, ऐसे इसमें अगर वृत्तानुप्रास में देखें, यहां सिर्फ वर्ण चल रहेगा, यहां स्वरूप से कोई मतलब नहीं, यहां वर्ण अगर रिपीट हुआ तो हम खट से मार देंगे कि यह वृत्यानुप्रास है। समझ गए? आगे तीसरा आपका होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्त उसी अर्थ में हो, ठीक है, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां लाटानुप्रास होता है। ठीक है, इसमें वाक्य खंड का भी रिपीटिशन होता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब उदाहरण से यह चीजें और क्लियर होती, या ठीक यमक का उल्टा है, यह यमक का जस्ट उल्टा होता है, इस बात को भी आपको ख्याल में रखना है। देखिए जैसे यह है, तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, फिर से रिपीट होगा, तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब देखिए यहां पर जो रिपीटेशन चल रहा है, तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी के, अब फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है। ठीक, अब इसमें वाक्य खंड का रिपीटेशन आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा वाक्य आपका रिपीट हो जाएगा, वाक्य खंड रिपीट हो जाएगा। तो जहां पर ऐसी चीजें आती हैं, इसका अर्थ दोनों का अलग है लेकिन वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है, इसका दोहराव हो रहा है, और इसलिए यह आपका क्या बनेगा, यह आपका सीधा सीधा जस्ट इसका उल्टा एक तो बोल सकते हैं। यमक में जब आप देखेंगे तो वहां पर यह चीजें बदलेंगी, इसमें जो है शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। ठीक, तात्पर्य मार्ग से यहां पर आपकी चीजें क्या होंगी, यहां दूसरी बनती है। एक दूसरा इसी में आपका उदाहरण बनता है, ये वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अब यह भी सवाल कई बार आया है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, अब मनुष्य है वही मनुष्य है, फिर जो मनुष्य के लिए, अब यहां पर देखिए मनुष्य और मनुष्य वाक्य खंड हो गया, एक तरीके से रिपीट हो रहा है, और इसका अर्थ दोनों का अलग ही अलग है, दोनों का अर्थ अलग है लेकिन यहां पर जो रिपीटेशन है वह पूरा का पूरा वाक्य खंड का होता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, जैसे एक आपके सामने और है, ठीक, पाप प्रहार जो है, ये अगला जो आपका विभेद है, ठीक, ये चौथा प्रकार है श्रुतानुप्रास जिसको हम बोलते हैं। श्रुतानुप्रास में क्या होता है, श्रुतानुप्रास हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुख के श्रुत्या, श्रुत मतलब क्या, सुनना, और सुनने में जो हम बोलेंगे मुख से वही तो होगा, मतलब मुख के उच्चारण से संबंधित विशिष्ट वर्णों के समय को क्या बोलते हैं, श्रुतानुप्रास कहते हैं। कि हमारे अगर मुख के उच्चारण में कोई वर्ण एक ही जगह से बार बार निकल रहा
तो वहां श्रुत्य अनुप्रास होगा, ठीक है। जैसे पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाए ना कोई, ठीक है। अब इसमें अधिकतर आपको ऐसे वर्ण मिलेंगे जिनका उच्चारण एक ही स्थान है, ठीक है। इस वजह से यहां पर क्या होगा, श्रुत्य अनुप्रास होगा। ऐसे दूसरा है, तेहि निसिमे सीता पह जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, तेहि निसिमे सीता पह जाई, ठीक। यहां पर भी ये क्या है, इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम वाला जो है ये चीजें आपकी आपस में मैच करती हैं, मतलब इसमें तुक पाया जाता है। आप सीधा सा ये पहचान सकते हैं कि जहां तुक मिलने लगे वहां दिमाग लगा लेना है कि ये श्रुत्य अनुप्रास है, बहुत आसान सी ये चीजें बन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आपके पास आता है अंत्यानुप्रास। क्या होता है अंत्यानुप्रास की जब बात करते हैं, यहां एक वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति होती है, साम्य मूलक, ठीक। मतलब तुक इसमें भी आपका मिलेगा एक तरीके से, जैसे गुरुपद जो है मृद मंजुल अंजन, नयन अमी द्रुग दोष विभंजन। अब अंजन विभंजन ये दोनों चीजें कैसी है, एकदम साम्य मूलक बन रही है, मतलब दोनों में दोनों साम्यता आपको मिलेगी। और जहां ऐसे उदाहरण मिलते हैं वो आपके अत्यानुप्रास के भेद के अंतर्गत होते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसमें व्यंजनों जो है स्वर की साम्य मूलता मिलती है इसमें, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं कि स्वर की साम्य मूलता मिले ही मिलेगी, ठीक। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसमें हालांकि मुख यहां उच्चारण देखा जाता है, इसमें आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो उच्चारण स्थान है, अगर उच्चारण स्थान एक ही है कई आपके शब्दों का वर्णों का, तो वहां पर आपका श्रुत्य अनुप्रास। लेकिन जहां पर आपका एक वर्ण और स्वर तुक आपस में मिला दे अंतिम में, ठीक है, इसमें तुक को लेकर चलिए, उसमें तुक छोड़ दीजिए, वहां तुक नहीं, वहां पर उच्चारण स्थान अगर एक हो रहा है तो श्रुत्य अनुप्रास, और जहां पर तुक मिल रहा स्वर का, ठीक है, एक वर्ण का, वो आपका क्या बन जाएगा, अंत्यानुप्रास बन जाएगा। इस हिसाब से दोनों में विभेद रखिए। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, यमक अलंकार। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अलंकार यही है, यमक ही, ठीक है। अब यमक में ध्यान दीजिए, जिस प्रकार अनुप्रास में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसमें वर्ण की आवृत्ति, यहां शब्द की आवृत्ति होती, कोई शब्द आपका बार बार रिपीट करने लगता है। जैसे और एक खास विशेषता है कि दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो जाता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, पढ़ा होगा आप सभी ने। अब काली घटा का घमंड घटा, अब यहां काली घटा और यहां घमंड घटा, दोनों घटा जो शब्द लिखे इन दोनों का अंतर अलग है। पहले जो घटा है काली घटा आसमान बोल सकते हो, उसका घमंड घट गया, ठीक, बारिश हो गई आसमान साफ हो गया। दूसरा क्या है, दूसरे का अर्थ है कि कम होना, और पहले का अर्थ घटा का अर्थ क्या है, बादल। तो काली घटा का घमंड घटा घटा रिपीट हुआ, लेकिन दोनों में इनके दोनों के दोनों अर्थ आपके अलग होते हैं। तो जहां शब्द रिपीट हो लेकिन शब्दों के अर्थ अलग होते हैं, वह आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यमक के अन्य उदाहरण को देखिए। एक उदाहरण आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब यहां पर कनक कनक एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसे इससे पहले आपने देखा था कि वाक स्वरूप जिसमें हो जाए छेका अनुप्रास वाले में, यहां स्वरूप से मतलब नहीं, यहां शब्द तो रिपीट हो रहा, शब्द के अर्थ अलग अलग जा रहे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है, कनक एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना, दोनों में इतनी मादकता होती है, ठीक, कि अगर एक को कोई व्यक्ति खा ले तो वह पागल हो जाता है, अगर दूसरे को कोई व्यक्ति पा ले तो वह पागल हो जाता है, ठीक है। सोना किसी को मिल जाए, अभी एक ईंट पता चले कि कहीं से घर बनवाने जा रहा है, अब बुनियाद की खुदाई कर रहा है, एक सोने की ईंट मिल गई तो वो देखिए पागल ही हो जाएगा, ऐसे ही इसमें है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें शब्द रिपीट होंगे लेकिन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, तो इससे जो चमत्कार उत्पन्न होता वह आपका यमक होता है।
ऐसे अगला है, माला फेरत जग गया फिरारा मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, अब यहां पर फिर से सारी चीजें अलग हो गई। पहला जैसे बोला माला फेरत जग गया फिराना मन का फेर, ठीक। अब फिराना मन का फेर, अगला देखिए कर का मन का डारी दे, और उसके बाद मन का फेर। यहां मन का शब्द, ठीक, मन का शब्द, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। ये दोनों चीजें, इसमें पहला जो मन का है, पहली बार जो मन का शब्द उपयोग हुआ, इसका अर्थ है मोली जो है, जो मोती होती है माला की वो, और दूसरा क्या है मन का से आशय होता है कि मन की भावनाओं से। ठीक है, मन का फेर, अपने मन की भावनाओं को फेर। ठीक, मतलब बैठे माला जप रहे हैं, माला की मोतियों से राम राम कर रहे हैं, और मन कहां चल रहा है, ऊपर से राम राम, अंदर से कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, तो वहां से वही कबीर बोल रहे हैं कि आप माला फेरते फूरते ये जिग जो है पूरा का पूरा युग बीत जाएगा, लेकिन कोई अंदर बदलाव नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या बदलाव करें, अपने अंतःकरण में बदलाव करें, भावनाओं में बदलाव करें। अगला एक उदाहरण समझिए, जैसे कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। अब इसमें समझिए, बेनी बेनी शब्द दो बार आया है, लेकिन इसका अर्थ दोनों अलग है। एक तो स्वयं कवि अपने लिए प्रयोग कर रहा, उसका नाम बेनी है, ठीक, और दूसरे जो शब्द बेनी है इसका अर्थ है चोटी, दूसरा जो अर्थ है वो चोटी है। मतलब बेनी कहता है कि उसकी चोटी चुरा ली गई है। तो ये चीजें क्या है, यहां पर आपका एक ही शब्द होगा रिपीट, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग चला जाता है, और वो अलंकार की, आपके यमक अलंकार की विशेषता होती है। ये बता ही दिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अगला, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। ठीक, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। अब इसमें तीन बेर पहले भी आ रहा है, लास्ट में भी तीन बेर आ रहा है। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। ठीक, अब इसमें तीन बेर का जो पहला मतलब है, या मतलब है तीन बार खाने वाली, और दूसरा जो तीन बेर है इसका मतलब है वो बेर जो पेड़ों पर उगती है, मतलब जो तीन बार भोजन करती थी, अब वह तीन बेर खा करके पूरा दिन बिता देती है। तो इसी चीज को आपको याद रखना है, यानी यहां शब्द रिपीट होंगे, स्वरूप रिपीट होगा, लेकिन उनके अर्थ अलग चले जाएंगे, इसलिए यह किसका उदाहरण होगा, यह यमक के उदाहरण की ओर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आपके सामने एक उदाहरण है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, अब पहला जो लिखा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, बहुत बड़े महल के अंदर रहने वाली। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। अब यहां जो रिपीटेशन आपका चल रहा है, यहां रिपीटेशन दोनों के दोनों अलग अलग अर्थों को बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अब श्लेष को समझ लेते हैं, और श्लेष अलंकार जो आपका बनता है इसको समझिए। श्लेष की अगर हम बात करते हैं तो श्लेष ऊपर दोनों अलंकार जो बताए गए इन सभी से अलग है। ठीक, श्लेष में एक शब्द आपका सिर्फ रहेगा, लेकिन उस शब्द के अर्थ इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसके अर्थ जिस अनुसार आप समझ सकते हो उस अनुसार अलग हो जाएगा। पहले वाले में वर्ण की आवृत्ति हुई, दूसरे वाले में ठीक आपके शब्द की आवृत्ति हुई, शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन अर्थ अलग अलग चला गया। तीसरा आपका है, इसमें एक ही शब्द होगा लेकिन वह कई शब्दों के लिए कई अलग अलग अर्थ दे देगा। तो ये जो है श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक, गोंद जानते हैं ना, किसी चीज का चिपकाना, तो इसका वही श्लेष है, ये कोई और नहीं है, बस ये यहां पर है। जैसे इसमें एक बात को याद रखना है कि जहां एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ हो, इससे पहले वाले में एक शब्द दो बार रिपीट हुआ, दोनों के विभिन्न अर्थ हुए, यहां एक ही शब्द के कई अर्थ मिल जाए। जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा है, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य। रहीमदास क्या कहते हैं कि पानी का होना बड़ा जरूरी है, अगर पानी नहीं है तो सब कुछ सूना है। ठीक,
पानी गए ना उबरे मोती माने सुन। अब यहां पानी का अर्थ ठीक, अगर पानी चला गया व्यक्ति की इज्जत चली गई तो फिर से नहीं आ सकती, मनुष्य के लिए इज्जत हो गई ठीक। चून से अगर पानी हो गया, चूना जानते हैं ना ठीक, अगर चूने से पानी चला गया तो चूने का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर से उसको पानी डाल के क्या करना पड़ेगा, फिर से वही प्रक्रिया। और अगर मोती से पानी चला गया तो वह मोती बेकार है, उसकी चमक गायब हो गई ठीक है। तो यहां पानी शब्द के तीन अर्थ गए, समझ गए, एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ बहुत अलग अलग हो जाएंगे, वह श्लेष अलंकार होगा। और उदाहरणों को देख लेते हैं, जैसे एक उदाहरण आपका और है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। अब यहां पर जो आपके शब्द है कि जो रहीम गतिदीप की, जो दीपक की गति होती है, कुल कपूत गति सोए, अगर कुल का पुत्र जो है कपूत हो गया तो उसकी गति एक जैसी ही होगी ठीक है। दोनों देखते हैं कि बारे उजियारे करे, दोनों को जलाने पर उजियाला होगा ठीक है, मतलब पुत्र भी पैदा हुआ तब भी बड़ा घर में खुशी होगी, सब कुछ होगी, और अगर कुपूत पुत्र है तो क्या करेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे सब कुछ चौपट करना शुरू कर देगा ठीक। और आगे बोल रहा, बढ़े वो अंधेरे हुए, दीपक जब बढ़ जाता है, ज्वाला उसकी जल के समाप्त हो जाती तो अंधेरा हो जाता है, ऐसे कपूत जब बड़ा हो जाएगा तो चारों तरफ सब कुछ चौपट कर देगा तब भी अंधेरा हो जाता है। तो दीप का अर्थ यहां दो के उसमें कबीर ने समझाया है, एक तो अंधकार के लिए प्रकाश की, दीपक की जो है, और दूसरा जो है कपूत के बारे में बताया है कि जैसे दीपक आपका जलने जो है जला तो प्रकाश हुआ, पुत्र पैदा हुआ तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ना शुरू करते हैं अगर कपूत है तो समझ जाइए कि अब अंधियारा ही सामने दिखेगा। ऐसे आपका दीपक है, जब वो पूरी तरीके से जल जाएगा, तेज ज्वाला हो जाएगी, तो समझ जाइए कि क्या है, वो चीजें खत्म होने वाली। तो हमेशा कभी भी जब किसी भी व्यक्ति के सामने ठीक है बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आने लगे तो वहां समझ जाना कि अगला पड़ाव जिंदगी का कुछ अच्छा होने वाला है। जब बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आने लगती है तो वहां से यह होता है कि अब यह मुसीबतों का अंत दौर चलने लगा, उसके बाद कुछ अच्छा होता है जीवन में। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें कुछ और उदाहरण लिखे हैं, जैसे एक उदाहरण आपके सामने लिखा है कि सीधी रहते राह जो चल रहते सदा निसंग, और फिर जो करते जो है विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। अब इसमें फिर से आपका एक ही शब्द कई अर्थों में चला गया, चलते सीधी चलते राह जो, अब इसी का अर्थ आपका अलग अलग हो गया। जो सीधी राह चलते हैं, सीधे व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष हैं, सज्जन जो है सज्जनता से चलते जा रहे हैं, वो हमेशा बिना भय के जीते हैं, निशंक है, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन जो करते विप्लव, मतलब जो उदंडता करते हैं, उन्हें हमेशा आशंका क्या रहती है, आतंक की ठीक। इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब इसमें दूसरा भी अर्थ समझ सकते हैं, मैंने जैसा बताया उसके अनुसार। यहां पर हरि जो शब्द है ठीक, हरि का मतलब क्या है, यहां बंदर से भी जोड़ सकते हैं, भगवान से भी जोड़ सकते हैं, जो मर्जी वो जोड़ ले, वैसे वास्तविक रूप यहां हरि शब्द का होगा। हरि शब्द जो है एक बार प्रयुक्त हुआ लेकिन उसके दो अर्थ निकलते, पहला अर्थ है बंदर, दूसरा अर्थ है भगवान ठीक है। पहला अर्थ बंदर है, दूसरा अर्थ भगवान है, अब समझ सकते हैं ठीक है कि एक सह शब्द से दो अर्थ निकले, और यह उदाहरण किसका हो जाएगा, ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा, क्योंकि एक ही शब्द दो अर्थों को दे रहा। ऐसे एक उदाहरण आपके सामने ये पढ़ा होगा, रावण सर सरोज बंचारी चलि रघुबोर रघुबीर शिला मुखधारी ठीक है। अब इसमें भी आपका जो लिखा हुआ है शब्द, इसमें सिली मुख का दो अर्थ है ठीक है। पहला अर्थ सिली मुख का क्या है, बाण, दूसरा अर्थ है भ्रमर ठीक है। पहले का अर्थ है बाण और दूसरे का अर्थ आपका क्या पड़ता है, भ्रमर पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्लेष के अब भेद देख लेते हैं, भेद से सवाल नहीं पूछा लेकिन आपको जानना है। श्लेष के दो भेद होते हैं, एक आपका अभंग श्लेष होता है, दूसरा सभंग श्लेष होता है। अब इसको समझ लीजिए, अभंग का मतलब
कि शब्दों को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकाल ले। अभंग जो भंग ना हो और फिर भी कई अर्थ निकल जाए वह अभंग श्लेष हुआ, और जिसमें शब्दों को हमें तोड़ना जरूरी हो वह सभंग श्लेष होता है। ठीक, जैसे ये वाला पहला उदाहरण, रहमन पानी राख, ये सब पानी जो है बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानु सुन। अब इसमें पानी के अनेकार्थक शब्द हैं यहां पर, ठीक है। इसके तीन अर्थ होंगे, एक तो कांति मतलब मोती की जो है चमक कांति, दूसरा सम्मान और तीसरा जल। इसमें एक ही से तीनों मिल गए, बिना कुछ तोड़े हमें इसके अलग अलग अर्थ मिल गए, इसलिए अभंग श्लेष हो गया। अब सभंग श्लेष क्या होगा? सभंग श्लेष में जैसे आपका लिखा है कि सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, ठीक। अब इसमें हमें जब अर्थ समझना होगा तो सखर का जो अर्थ है सखर कठोर, ठीक है, और दूसरा अर्थ इसका होता है खर दूषण, ठीक, खर दूषण के साथ, ठीक, साधन खर मतलब खर दूषण। ये दोनों सखर को तोड़कर किया गया है, सखर को क्या किया गया, यहां तोड़ना पड़ा, और इससे पहले वाले में बिना तोड़े अर्थ निकल गया। तो अभंग और आपके सभंग श्लेष में यही अंतर होता है। तो उम्मीद है अर्थालंक जो है शब्दालंकार से संबंधित सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। कल हम अर्थालंकार से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट जब आपकी हिंदी की क्लास होगी तो उसको भी समझेंगे। भैया बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ो, नोट्स सारे लोग ले लीजिए, 499 में आपका 3 महीने के लिए वैलिड है, ऐसी भी चीज नहीं है जो आप पे नहीं कर सको, ठीक है। उसी में टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा, सब कुछ आपका एक सही माध्यम होगा, और थोड़ा मन वगैरह लगा के पढ़िए, क्योंकि बार बार मौका नहीं आना है। फिर उसके बाद यही होगा कि यूपी ट्रिपल एससी को गाली देना है, अन्य को गाली देना है, ठीक है। तो पढ़िए, एक नियमित क्रम में पढ़िए। हम बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। चलिए तो फिर मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।